ये सेकंड प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ आ जाओ। बाकी तो आप लोग देख सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं इस वीडियो को बनाने के, कोई कुछ नहीं, मैंने खुद ने ये बाइक अपने पैसों से गेन करी है। आप लोगों को मैं सच्चा ही रिव्यू देने वाला हूँ, जो दो तीन बार यहाँ पे पैंट फंसी, तो ये वाली चीज जो है कंपनी को जा तो फिर भाई यहाँ से पूरी बाइक खड़ी है, ये न्यूट्रलाइज है, दिखा दो इनको, ये देखो। गाइस मैं हूँ सनी राइडर और मैंने जो है जैसा कि हाल ही में ये वाली एक्सट्रीम हीरो एक्सट्रीम 125R गेन करी है, तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख लो कि मैंने जो है इसे 508 किलोमीटर जो है चला दिया है। यहाँ पे आप मीटर पे चेक कर सकते हो कि 500 किलोमीटर प्लस ये चल चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिकली 500 किलोमीटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा विजिट करना, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप लोग भी जा रहे हो कहीं हीरो एक्सट्रीम लेने के लिए किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के कि भाई ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसके फीचर बहुत तगड़े हैं, इसमें माइलेज अच्छी है, ये वो फलाना ढमकाना, अगर आप लोग ये माइंड में लेके जा रहे हो ना, तो भाई रुक जाओ, पहले मेरी वीडियो पूरी वॉच कर लेना, क्योंकि 500 किलोमीटर चलाने से पहले ही मैंने आप लोगों को वीडियो दिखा दी, 508 किलोमीटर रन हुई है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों तक डेली की डेली अपडेट पहुंचती रहे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली मेरा जो पैशन है, मैं जो काम करता हूँ वो है फूड डिलीवरी, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो आप, यहाँ पे हमने जो है बैग भी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बैग बुक साथ ही लेके घूमते है, ये ब्लिंकिट का बैग है और मैं काम से ही आया, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप बाइक, ये मेरा बैग है, क्योंकि मैंने जो बाइक गेन करी है ना, ये लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी काम करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये बाइक भी ब्लिंकिट की वजह से ही आई है मेरी जिंदगी में। ब्लिंकिट में मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो ब्लिंकिट में मैंने मैक्सिमम 1-1.5 साल से काम कर रहा था, तो इसी ब्लिंकिट की वजह से ये चीज ली मैंने। और मैंने मतलब पहले यूट्यूब पे भी मैंने आप लोगों की तरह ही मैंने काफी राइडरों की वीडियोस देखी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत लुक भी देख सकते हो, काफी प्यारी। मैंने भी लोगों की वीडियो देख देख के कि भाई हाँ यार, इस बंदे ने ले रखी है बाइक है, इस बंदे ने बाइक ले रखी है, तो इस बंदे के वीडियो देख के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, लुक वाइज भी काफी अच्छी है, नॉट बैड, सब कुछ है इसमें। पर इसमें जो प्रॉब्लम है भाई, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ रही है, वही मेन चीज वो है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जेन्युइन सी बात बताऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने जितनी वीडियो सुनाई है गाइस, कुछ भी झूठ नहीं बोला, ठीक है। तो भाई आप लोगों के साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग हो मेरा परिवार, आप लोग हो यूट्यूब फैमिली, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ब्लिंकिट के बैग को कुछ टाइम के लिए वहां पे रख देता हूँ, ठीक है, उसी बाइक पे। फिर आप लोगों के साथ मैं कुछ बातचीत करूंगा खतरनाक वाली, कि इस बाइक में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बेसिकली अगर मैं बात करूं सीट कंफर्ट की, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोगों ने जो मुझे मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच, जो डिलीवरी वाली वीडियो थी, काफी प्यार दिया उन्होंने और नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ, नॉट बैड, सीट का कंफर्ट काफी अच्छा है। पास में आके दिखा दो, सीट का जो कंफर्ट है काफी अच्छा है, ठीक है। पीछे जो है भाई लेडीज वगैरह भी बैठ सकती है, लड़कियां बैठ सकती है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऊंचाई की, दूर से दिखाना, जैसे ही अगर पीछे पिलियन को बिठाया जाता है तो उसे दिक्कत आती है बैठने के लिए। अगर हम लोग तो लड़के हैं, ठीक है, जैसे लोग की मम्मी लोग की अगर बात करें हम, तो मम्मी लोग को बैठने में दिक्कत आती आती है। और ये जो कूड़ा है गाइस, ये ना मतलब मैं जब भी उतरता हूँ ना यहाँ से, ये देखो, यहाँ से हम जैसे मान लो ये बैठते हैं, सबसे मेन बात आ जाती है इसमें कि हाइट की अगर बात करें तो हाइट मेरी है 5'9", ठीक है। तो मुझे मेरे पैर इतने लगते हैं, अगर किसी की हाइट 5'5" है तो उसके थोड़ा थोड़े से ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हाइट में भी फर्क पड़ता है, इसकी ऊंचाई हाइट काफी ज्यादा है। और जब मैं उतरता हूँ ना, तो उतरते टाइम मुझे बेसिकली बीच बीच में ना एक दो बार ऐसे मान लो, ये देखो इधर आना, ये देखो, जैसे अगर आप लोगों ने खुली पैंट पहनने के शौकीन हो आप लोग, और आप लोग ऐसे उतर रहे हो, आप लोगों की पैंट यहाँ पे मैंने जो है मैक्सिमम 2-3 बार अपनी मतलब खुली पैंट पहन के मैं इसे ट्राई किया, तो 2-3 बार यहाँ पे पैंट फंसी। तो ये वाली चीज जो है कंपनी को जा तो फिर भाई यहाँ से पूरी कटआउट करनी चाहिए थी। एक तो प्रॉब्लम ये आ गई, मेजर प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि इंजन में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है अगर आप लोग नहीं लेते हो। उसके बाद जो बेसिक चीज है वो आपको बताता हूँ कि सल्फ कई बार जो है अटकती है इसकी प्रॉपर, मतलब अगर हम दबाएं तो फिर थोड़ा सा थ्रॉटल देना पड़ता है। अब जो है बाकी मैं इसकी फर्स्ट सर्विस भी करवाऊंगा, उसके बाद भी आप लोगों को बताऊंगा।
और चीजें बता देता हूँ तीसरी की, यहाँ पे अगर मैं चिक्कड़ की बात करूँ तो गाइस कंपनी को जो है ये थोड़ा सा जा तो चौड़ा देना चाहिए था। अगर ये चलो मानो कि स्पोर्टी लुक में बना रखा है, थोड़ा सा नैरो ही कर रखा है, बट ये जो गार्ड है ना, ये गार्ड कंपनी को यहां तक होना चाहिए था। मेरे साथ ये हुआ कि भाई चिक्कड़ के अंदर ना ये जो पीछे की सारी यहां तक सीट गंदी हो रही है, ये लगाने के बाद भी इसे जा तो कंपनी को ऊपर करना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और भी प्रॉब्लम है आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ आ जाओ। बाकी तो आप लोग देख सकते हो सारा सूखा सूखा दे रखा है इन्होंने, काफी कम एक्सेसरी जो है इसमें ऐड करी हुई है। आप लोगों को आफ्टर मार्केट बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। सबसे मेजर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, बाकी अगर मैं बात करूं शीशों की, शीशों में भी कोई कमी पेशी नहीं है। बाकी लुक की अगर मैं बात करूं कोई कमी पेशी नहीं है। लाइटिंग की टेस्टिंग आप लोगों को अगर कमेंट करोगे तो इसकी जो है मैं रात को LED लाइट टेस्टिंग करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी अगर माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मैं मतलब इसके अगर हॉर्न भी काफी है, इंडिकेटर सब ओके है। ये देखो इंडिकेटर भी सेट है। बोल दिया करो आप यार कुछ भी, कोई भी चीज अगर मैं कहीं भूलता हूँ ना बोल देना, ठीक है, रुकना नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को वैसे ही पता है कि भाई अपने साथ ही है। और यहाँ पे सबसे मस्त चीज पता क्या लगी मुझे, बताओ तुम्हें भी, इसमें जो हम इंडिकेटरों की मॉडिफिकेशन कराते हैं जरूरत ही नहीं उसकी। एक तो इंडिकेटर इन्होंने दूसरे दे रखे, ये देखना पीछे करना एक मिनट इसे, चक में आ गया ये भाई, मतलब ये वाली चीज के लिए राइडर भागते हैं कि हम मॉडिफाई कराएं, ये वाला कंपनी ने खुद ही दे रखा है। ठीक है, ये वाला तो भाई ऑन कहां से होता है, ये जो है ऊपर स्विच, ये देखो डबल टैप वाला, ये स्विच अलग से दे रखा है, ये ले, ये ऐसे बंद किया ऐसे ऑन किया। ओके, ये पार्किंग लाइट देती है इसमें गाड़ी जैसे, जैसे गाड़ी में भाई बस वही सिस्टम है, मतलब ये चीज मस्त कर रखी है। और ऊपर से मतलब इसके अंदर जो मीटर है, बाकी तो बाद में वीडियो बनाएंगे, बट मेन मेजर प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी चीज कौन सी है, अब भाई बताता हूँ, आ जाओ इधर कोनाल भाई साहब, इधर आओ, इधर घूम के आओ। गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है एक बाइक राइडर के लिए, गियर, जो कि भाई स्मूथ है ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं इस वीडियो को बनाने के, कोई कुछ नहीं, मैंने खुद ने ये बाइक अपने पैसों से गेन करी है। आप लोगों को मैं सच्चा ही रिव्यू देने वाला हूँ जो है हो रहा मेरे साथ। भाई क्लियर आ रही है ना वैसे वीडियो, ऑल सेट आ रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके जो गियर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो नीचे फुट रेस्ट पे जो गियर है ना, ये जो गियर है इसकी सबसे बेकार चीज मुझे क्या लगी बता, ये गियर पड़ता ही नहीं। ये देखो पहला गियर डालने के लिए थोड़ी सी हिलानी पड़ती है, और जब मैं इसे चलाता हूँ, ये देख चलाता हूँ ऊपर को ना, गियर इसके हैवी है, एक ना मैं राउंड मार के आ रहा हूँ, ये देखना इधर, अभी देखना गाइस आप लोग, मतलब जब भी मैं इसमें गियर शिफ्ट करता हूँ ना, जैसे मान लो कि ये देखो ऐसे किया मैंने, गियर शिफ्ट जब भी करता हूँ ना, एक तो इसके गियर जो है भाई काफी ज्यादा हैवी पड़ते हैं, मतलब ऐसे ना लोड नहीं पड़ता, जैसे स्मूथ नहीं है इसके गियर, चेन ड्राई हो चुकी है ना, काफी रन करवा दी मैंने बाइक का, पर इसके जो गियर है मुझे ये वाली दिक्कत बहुत आ रही है कि हम जब भी इसके गियर डालते हैं गियर स्मूथली नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, अब पता नहीं बाकी देखते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ होता है नहीं होता, वहां पे मैं ये वाली बात तो छोड़ूंगा कि भाई जब भी मैं गियर डालता हूँ जा तो, जैसे मान लो कि हम मैं कहीं ट्रैफिक में हूँ तो भाई पहले मुझे ऐसे थोड़ी सी आगे पीछे करनी पड़ेगी फर्स्ट गियर डालने के लिए। ठीक है, हैं, और कोई किसी किसी टाइम जो है ये स्मूथ भी पड़ जाते हैं, और जैसे अभी देखो ये है नहीं ना पड़ रहा, देखना जरा इधर ऊपर न्यूट्रल है, ये देखियो ऐसे बाइक खड़ी है, ये न्यूट्रल है इस टाइम, दिखा दो इनको, ये देखो देखो अब ये देखो अब पड़ गया, देखो मतलब जैसे ही हिलाई गियर पड़ गया। तो ये वाली चीज जो है भाई कंपनी को अप्रूव करनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भाई बाकी कंफर्ट की बात करूँ तो भाई 2-3 दिन में 500 किलोमीटर चलाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड यार वो मैंने अभी सच बताऊं तो मैंने नहीं टेस्ट करी अभी, मैक्सिमम मैंने 80 तक लास्ट, क्योंकि फ्रेश इंजन है ना। आपने भगाई है कितने, 80 तक भगाई है? लास्ट 80, उससे ऊपर मैं लेके नहीं गया। अगर आपने 80 तक भगाई है, हाँ, तो बाइक का जो कंट्रोल है कितना है इसमें? भाई मैं बोल नहीं सकता, ये आपने 80 तक चलाई है, अगर भाई 200 जबरदस्त, भाई जबरदस्त। देखो मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ, अगर आप समझो बाइक को पूरा भगा रहे हो, हाँ, 150 पे भगा, ठीक है ठीक है, तो इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं भाई जबरदस्त तरीके से। बट सबसे मेन चीज बताइए आप लोगों को, तरीका होना चाहिए। कई बंदे क्या करते हैं सिंगल ब्रेक का यूज करते हैं,
ये भी देख रहा है कि मैं कौन सा कंटेंट ढूंढूं इसमें। ये बाइक का रिव्यू लेने आया था। हाँ नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे कई राइडर क्या करते हैं, स्पीड में सिंगल ब्रेक का यूज करते हैं, बट नहीं, आप अगर कभी भी मतलब यूज करना चाहते हो तो अगर सीधे हो आप मोड़ गेट पे, कभी कोशिश मत करना कि तेज चला के आप ब्रेक मारोगे, 100% गारंटी एक्सीडेंट के चांसेस बनेंगे। सीधे रास्ते में हो तो कोशिश करना कि फ्रंट एंड रेयर दोनों स्मूथ इकट्ठी लगाना, ये नहीं कि मैं अगली वाली मार दी, ठीक है। बट मैं कंट्रोल की बात करूं भाई, जबरदस्त। मैं एक राइडर हूं तो हाँ। मैं ना मेन जो देखता हूं, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समझ लो मैं बाइक लेकर आ रहा हूं, तो समझ लो 60 या 70 रुपए लेकर आ रहा हूं बाइक अपनी, हाँ। ठीक है, तो ठीक एकदम है। से आगे कोई ट्रैफिक या कोई भी आ जाता है, हाँ। अगर मैं बाइक को रोकने की कोशिश करूँ तो बाइक मुझे कोई नुकसान ना करते हुए रुक सकती है आराम से? आराम से भाई, ऐसा तो नहीं मैं रोकने की कोशिश करूँ पर अपने आप ही मुझे एक्सीडेंट के रोड पर ले जाए? नहीं नहीं, बाकी यार आप लोग किस हिसाब से ब्रेकिंग मार रहे हो, ब्रेकिंग यूज किस हिसाब से कर रहे हो, सबसे मेन चीज यही होती है, ठीक है। ये हम बोलते हैं ना कि मशीनरी है ये करती है, वो 100 में से कोई कोई चांसेस होते हैं, बाकी हमारी चलाई पे डिपेंड करता है। बाकी चलो बाइक हाँ। तो हमारे पास ही है, बाइक आप बहुत बस आप डेली डेली चलाओगे, आपको कुछ ना कुछ नया तो पता चलता रहेगा भाई, मिलेगा कुछ ना कुछ, ड्राइवर को सब कुछ बताना है, रिव्यू देना है भाई, सब सब कुछ मिलेगा। ये लिए तभी है मैंने कि एक तो ट्रेंड चला हुआ है, लोगों को पता भी चले कि क्या हम इस पे पैसा भी कमा सकते हैं, हम क्या इस पे फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, सब कुछ बताना है यार ऑडियंस को, क्योंकि राइडर वाली तो कई लोगों ने डाल दी। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि इस बाइक के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो सिर्फ गियर की आ रही है, वो कंपनी को प्रूव करनी चाहिए। पीछे छींटे पड़ रहे हैं भाई, चिक्कड़ के छींटे पड़ रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए, ये जो गार्ड है ये थोड़ा ऊपर को होना चाहिए, ठीक है। बाकी लव यू ऑल, वीडियो पे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लूटते हैं भाई ब्लिंकिट को। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त कुणाल पंजाबी राइडर नाम है, ठीक है, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, उन्होंने और मैंने जो है एक प्लान बनाया है बर्सिस का, कि हम दोनों जो है भाई कंपेयर करेंगे अपनी अर्निंग को। बहुत जल्द आप लोगों को जो है डेली ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे, फूड डिलीवरी के रिलेटेड हम दोनों जो है भाई एक महीने का हाई अर्निंग चैलेंज लेके आ रहे हैं। तो भाई विजिट करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियोस को। बस लव यू बस कमेंट जरूर कर देना है कैसी लगी कैसी नहीं। ये देखो आप जाते हुए भी ये चीजें आ ले चक, मैं आ गया, ऑल सेट ऑल गुड। डन डन आ डन।